5 વર્ષની ઉંમરના બાળકો માટે મહત્વના 5 વિકાસને લઈને ડીસા ખાતે આવેલ સંસ્કાર મંડળ સંચાલિત શિશુ મંદિર ખાતે રમત ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં બાળકોએ મન મૂકીને વિવિધ રમતોનો આનંદ લૂટ્યો હતો। આજે પ્રથમવાર આવી પ્રાચીન રમતો રમી રહેલા બાળકો તેમાં ભાગ લઈને ઉત્સાહિત થઈ ઉઠ્યા હતા અને આ રમતોમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। विद्या भारती गुजरात प्रदेश संलग्न श्री संस्कार मंडल डीसा संचालित श्री मंगलदास पटेल आदर्श शिशुवाटिका तथा मातृश्री सोनामा आदर्श शिशुवाटिका आज रमतोत्सव कार्यक्रम उजवायो। दर वर्षे आ रमतोत्सव कार्यक्रम शिशुवाटिका में करवामां आवे छे। शिशुवाटिकानी शिक्षण पद्धति छे ए पण अनौपचारिक रीते शिक्षण पद्धति छे के बाळकोने रमता रमता बधुं शीखवामां आवे छे। वांचन गणन अने रमतो द्वारा बाळकने शिक्षण आपवामां आवे छे। तेनाथी बाळकनो शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक प्राणिक आवा 5 प्रकारना विकास थाय छे अने बाळकनो सर्वांगीण विकास आ उमरमां जे 5 वर्षनी जे विकास करवानी उमर छे एमां बाळकनो थतो होय छे। तो आ रमतो तो रोज रमता ज होय छे, परंतु आजे रमतोत्सवना माध्यमथी एक उत्सव रूपे आजे अमे आ रमतोत्सव बाळकोनो राखेलो, जेमां स्पर्धा नहीं पण बाळकोनी अंदर रहेली जे सुसुप्त शक्तिओ छे एने बहार काढवानो छे, एने खीलववानी छे। अने वालीओ पण आजे खूब सारा प्रमाणमां हाजर रह्या हता। वालीओ ने पण समजमां आव्युं के अमारा बाळकोमां हजी कई कई शक्तिओ खूटे छे अने हजी अमारे अमारा बाळकनो केवो विकास करवो छे ए आ रमतोत्सवना माध्यमथी ध्यानमां आव्युं। आजे खूब सरस सारो एवो रमतोत्सव कार्यक्रम रह्यो। खूब आभार बधानो। बनासकांठा डीसा राधनपुर नेशनल हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज में गाबड़ू पड़ी होवानी घटना सामे आवी, त्यारे घटना ने पगले नेशनल